अब ये टमाटर जा रहे हैं इसमें, चले गए। मसाज करूँगी अच्छे से। ये मसाजर है, ये नायका में मिल जाता है आपको। एंड देयर इज वन ऑयल आल्सो। कल रात से कैप्टन ने खाना नहीं खाया है, सो वी आर टेकिंग हिम टू द वेट। फाइनली इसमें डाल दिए हैं थोड़े से नारियल के पीसेस। वाओ। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग बहुत होती है जैसे कृष्णा को अक्सर रहती है, इनको बिल्कुल नहीं रहती। फाइनली हैविंग दिस मटर कुलचा, जिसके बारे में बहुत टाइम से सुन रही थी। सुमित मेरे गरम गरम सैंडविच के ऊपर बैठ गया और बोलता यहाँ पे गरम गरम क्या है। सो आई एम हैविंग दाल का चिल्ला एंड नारियल की चटनी। सुमित जा रहा है जिम के बाद पोछा लगाने, एक्स्ट्रा वर्कआउट। ये किसी को चाहिए है तो ये पर मंथ लेते हैं 5 लाख रुपए झाड़ू पोछा करने के। झाड़ू पोछा करने के 5 लाख है ना, पर्सनल वो जिम ट्रेनिंग डाइट वाइट के लिए तो 10 लाख है। ये एक्स्ट्रा इनकम है, घर में सब कर देंगे आपके झाड़ू पोछा, घर साफ, घर एकदम साफ, घर एकदम साफ, लॉकर भी एकदम साफ। एवरीवन, सो हम लोग जिम से वापस आए एंड कैप्टन इज फीलिंग लिटिल अनवेल। कल रात से कैप्टन ने खाना नहीं खाया है, मे बी बिकॉज ऑफ द समर हीट, बट चांस नहीं देना चाहते, सो वी आर टेकिंग हिम टू द वेट। लेट्स सी डॉक्टर क्या बोलते हैं। कल से पानी भी नहीं पिया इसने अच्छे से और खाना भी नहीं खाया है, एंड ही इज जस्ट स्लीपिंग। गलत है क्या? गलत है? स्कूल से आया और हमने गलत ले लिया गाइस। टेम्परेचर होता है 1.5 से 1.5 तक, ठीक है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 100.5। ये आपका है या ये बीमार है अभी? ये बीमार है। अच्छा, ये तो अंदर ही है। मासी को खुद इतना डर लगता है इंजेक्शन से। आप मैम बाहर वेट कर लो, वो रेस्ट ना कर पाएगी, आपको देखती रहेगी ना, बार बार हिलेगी, और हिलेगी तो हमें आईवी बार बार चेंज करनी पड़ेगी उसकी। अब बाहर वेट कर लो मुझे। तो शाम हो गई है और शाम को हम खा रहे हैं। इसको
छाल मुड़ी, नहीं नहीं काट काट के छोटे छोटे नारियल के पीसेस काट के। तूने नहीं खाया कलकत्ता में झालमुड़ी ऐसे ही तो देते हैं? मुझे इससे सख्त नफरत है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डालो। और ये है मेरी लाल चाय, ब्लैक टी। लाल चाय मतलब रेड टी बट ये ब्लैक टी है। और ये रूपा की चाय अम्बुल। तो हम ये खाएंगे अब और बहुत मज़ा आएगा इसमें। अचार का तेल डाला है इसमें। And look at my captain. He's busy eating his calcium bone. I like it. Sumit bhi jhalmudi kha raha hai for a change. Sumit, daadi safed lag rahi hai side se. By the way, mere bhi idhar udhar se baal kafi zyada safed ho gaye hain. बहुत टेंशन है, कुछ करना पड़ेगा। फाइनली इसमें डाल दिए हैं थोड़े से नारियल के पीसेस। वाओ, नाइस। इसे खाएंगे। सो गाइस, आप जस्ट यूज, क्योंकि मेरे यहाँ से बाल थोड़े से कम हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बिकॉज मैं बहुत टाइट बांधती थी अपने बालों को। सो हेयर ग्रोथ के लिए आई एम यूजिंग दिस। दिस इज जस्ट ह्यूमन एंड वर्जिन हेयर ग्रोथ सीरम है, मेरी सिस्टर का है, तो आई एम यूजिंग इट। इट्स रियली नाइस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा ली है। आई जस्ट मेड अ शॉट एंड देयर इज वन ऑयल ऑल्सो, आयु ग्रोथ फोर्टिफाइंग हेयर ऑयल, न्यूरो कॉस्मेटिक्स। एंड इफ यू कैन सी, इसके अंदर आपको ये कुछ तो रूट्स वगैरह दिख रहे होंगे किसी पेड़ के। And there are some leaves also here. So my sister was telling me this oil is very nice. मैंने oil तो use नहीं किया है क्योंकि रात में oil लगा के नहीं सो सकती because I have oily skin. तो मैंने just ये serum लगाया है सिर्फ अपने roots पे इस area में। और मैं इसको बस अभी massage करूँगी अच्छे से। ये massager है, ये Nykaa में मिल जाता है आपको and it's not very expensive. जस्ट मसाज अच्छे से। एंड आप लोगों ने बोला था वो दूसरे वाले रबर बैंड यूज़ करने के लिए, जाओ मैंने अपनी सिस्टर का ये वाला रबर बैंड लिया यूज़ करने के लिए एंड आई बॉट ऑल्सो फ्रॉम मिनिसो दूसरे वाले। एंड इट्स एक्चुअली गुड, इट्स एक्चुअली बेटर, उससे हेयर फॉल थोड़ा कम होता है। सो यस, आई एम डन नाउ। आई जस्ट टाई माई हेयर एंड देन आई हैव माई डिनर। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है बट इट्स ओके। तो हम खा रहे हैं अपना डिनर, वही राइस, वेजीज, पनीर और साथ में मेरा फेवरेट भरता। एंड आई डोंट नो आप लोगों को अगर पसंद है कि नहीं, बट मैं ये भरते का जो ये डंठल है, डंडी है, मैं डलवाती हूँ एंड आई ईट इट लाइक अ चिकन लेग पीस। बहुत मज़ा आता है खाने में। मोस्टली लोग तो फेंक देते हैं बट मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट। आई एम वॉचिंग फ्रेंड्स। फाइनली हैविंग दिस मटर कुल्चा, जिसके बारे में बहुत टाइम से सुन रही थी। दिस इज फ्रॉम ओम स्वीट। सुमित रियली लाइक्स दिस मटर कुल्चा एंड इसलिए उसने मुझे बोला था ट्राई करने के लिए। तो सुबह का टाइम है, ट्राई कर लेते हैं। एक ही कुल्चा खाऊंगी एंड सुबह सुबह मैंने तेल लगाया अपने सर पे, एक घंटे के बाद वॉश करूंगी और फिर थोड़ा सा कुछ शूट करूंगी। ओके बाय। हम शूट कर रहे हैं और इसमें हम देसी नुस्खे बता रहे हैं। सो अगर आपको गैस और ब्लोटिंग बहुत होती है, जैसे कृष्णा अक्सर रहती है, इनको बिल्कुल नहीं रहती, अजवाइन और सौंफ का पानी। खुद भूल गई, वो खुद भूल गई बोलना क्या। अजवाइन और सौंफ का पानी, इसको उबाल के रख लो और एक दो चम्मच पियो, बच्चों को भी दे सकते हैं। नहीं। फॉलो फॉर मोर। सो आई एम हैविंग दिस सैंडविच जो कि पनीर, बेल पेपर, अनियन, ये सब कुछ सौते करके बना है। इट्स वेरी टेस्टी। And these two are eating. Hi.
और यहाँ पे सुमित का शूट हो रहा है और ये छत तक लग चुका है हमारा ये वॉल पेपर। चलो चद्दर लगाओ इसमें। मेरा नहीं बनाया मसीना। ये ले लो मेरी चाय बन रही है, ले लो तुम खाओ, तुम्हारी बर्थडे है। ये हमारे डीजे साहब हैं। घर में कोई भी शादी वादी होगी कुछ भी होगा मैं उस पे नहीं आऊंगा, मैं शादी वाला डीजे नहीं हूं, सॉरी पहले बता। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। हम एक दिन करेंगे, जरूर करेंगे, वो भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उसमें भी टाइम है। कुछ भी हो गाइस, आपको कोई फंक्शन वंक्शन हो इनको अपने घर पे बुलाओ, ये अच्छा डीजे बजाएंगे, बहुत अच्छा बजाएंगे। इनके इनका लॉकेट देख लो, ब्लैक है, आपको दिखाओ। मैं नहीं जाऊंगा। कैपी अंदर। मैं नहीं जाऊंगा। अब फंस गए ना। चलो नहीं, पीछे से पकड़ के नहीं, रुद्राक्ष उसको हाथ में पकड़ो अच्छे से, प्रॉपर लिफ्ट हिम। नो, हाँ लाइक दिस बेबी, ऐसे नहीं ना, ऐसे पकड़ो। गिरा मत देना उसको बेचारे को। सुमित मेरे गरम गरम सैंडविच के ऊपर बैठ गया और बोलता यहाँ पे गरम गरम क्या है, आए आए मतलब ये सैंडविच खाऊंगी अब मैं। सुमित के चितड़ों के सिका हुआ कमांडो। I was wearing pants. फिर भी and your pants पिछवाड़े के सिका हुआ, extra सिका हुआ। grill हो गया ये, grill sandwich चाहिए। आश्मिन की किचन में क्या बन रहा है, क्या ही है सब? ये तो एकदम आज तक वालों की तरह क्यों है आज आश्मिन की किचन में? बताइए क्या क्या है ये? ये पनीर है, ये प्याज है, टमाटर है, ये क्या है? लहसुन। ओके और वो क्या है? बहुत होगी, बहुत होगी, मुझे इतना नहीं खाना, बहुत होगी। ग्रेवी होगी, बोलती है खाती है, मैं नहीं खाती। चलो ठीक है, जो इसको क्या क्या करना है यास्मीन थोड़ा समझा दे। नहीं मिलेगा। हाँ हाँ कैसे लोग हैं ये, तो इसको बोलते क्या हैं? इसको क्या बोलते थे? इसको जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। नहीं ये वो है ना वेजी, अबे गैस अच्छा मन कर लिया मुझे लगा अभी ग्रेवी, ये जो थी ग्रेवी राइस या जो है ग्रेवी राइस, नाइस। इसका नाम है ग्रेवी राइस, जो भी नाम देंगे। मत डाल, एक रुपए का याशिन की थोड़ी एक्टिंग कर ले, ये मत डाल दीदी। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तेल डल चुका है, सिर्फ मैं करूंगी कैप्टन। सर ये वाले मैं क्यों बना रही हूँ, तुम अपने हमारे जो नए बर्तन है वो क्यों यूज करते हैं भाई? हम मंगाते तो वही पुराने एस्थेटिक वाले बर्तन नहीं यूज करते, तो एस्थेटिक्स ये जो है अच्छे नहीं होते हैं बर्तन यूज करना। तो ये कौन सा बर्तन आप कहते हो कि यूज करना चाहिए दीदी? स्टेनलेस स्टील का बर्तन ही यूज करना चाहिए, उसके अलावा या तो फिर आप आयरन का एक होता है आयरन कास्टिंग वाला, ये बर्तन अच्छे होते हैं। ये जो किसको क्या बोलते हैं सिरेमिक, सिरामिक भी अच्छा होता है, सिरामिक भी अच्छा होता है। तो इस चक्कर में हमारे घर निकल जाए। चलो ये प्याज डल गए हैं, प्याज डल गए और खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस।
नॉनस्टिक नहीं, कैप्टन को खुद की शक्ल दिख रही है वहां पे। और ये मेरे वीडियो ऑन करने से पहले इसने सब्जी डाल दी। अब ये टमाटर जा रहे हैं, इसमें चले गए, जाते हुए दिख रहे हैं, पिसते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये पनीर जा रहा है, चिली फ्लेक्स। दीदी अपने आईजी के लिए बना रही है और तुम वाईजी के लिए बना रही है। वाईटी सॉरी। और ये नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। अभी मैंने पता है एक समय डालिए, बाकी बाद में टेस्ट करने के बाद डालेंगे। नमक शमक डाल देते हैं। रमेश चौदा क्या ओट्स है? ओट्स पाउडर। ये तूने इसमें पीस है मिक्सी में? हाँ। कौन सा ये दिखाना बॉटल? ये तो वो बस इसका आपका हो गया। ये बहुत अच्छा सॉस है गाइस, विद न्यूट्री पिज्जा पास्ता सॉस बाय ट्रूवी। इनके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड इनका जो टोमेटो केचप है वो बहुत ही अच्छा है, इट्स यम्मी एंड इट्स हेल्दी। ओके, तो जो इमली सॉस इज आल्सो गुड। उसे मोल उल्टा निकालना पड़ा कि हो जाएगी नहीं फोक दूसरी साइड से। नहीं किचन में आ गए एकदम। जो ओट्स वाली सब्जी के साथ ओट्स वाली पनीर बने थे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। और रूदिका जैसे पास्ता बनाते हो ना, उसमें ओट्स पाउडर डाल दिया इंस्टेड ऑफ मैदा मिल्क। वो तो कुछ डालते ही नहीं है मैदा वगैरह। अगर आपको रेसिपी अपनी हेल्दी बनानी है और उसको थोड़ा सा आपको ऐसे क्रीमी बनाना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफाइंड मैदा आप ओट्स फ्लावर यूज कर सकते हैं। ओट्स पाउडर, ओट्स को ग्राइंड करके।